वैसे तो मेरा इंट्रोडक्शन काफी ड्रामेटिक होता है, बट इनके लिए मैं कोई इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा, क्योंकि भगवानों का कोई इंट्रोडक्शन नहीं होता है। इनकी तारीफ में मैं बस एक चीज कहूंगा कि ये कैसे इंसान हैं थे जिनको पूरी दुनिया फॉलो करती है और करती रहेगी। बहुत महान महान इंसानों ने इनसे इंस्पिरेशन लिया, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे वो लाल बहादुर शास्त्री हो, चाहे वो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे वो ग्रेट साइंटिस्ट टेस्ला हो। बहुत लंबी लिस्ट है, हर किसी ने इनसे इंस्पिरेशन ली है। ये पहले इंसान थे जिन्होंने हमारे वेदों की ताकत, हमारे उपनिषदों की ताकत को पूरी दुनिया में फैला दिया और झुका दिया, इस पूरी दुनिया को हिंदुइज्म की ताकत बता दी और सबको ये बता दिया कि जो हिंदुस्तान है ना, वो बाप है सबका। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का पंचम लहराने वाले स्वामी विवेकानंद। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मोस्ट अवेटेड लेक्चर है इस लेक्चर। कमेंट बॉक्स में भी वैसे स्वामी विवेकानंद छाए हुए थे। मेरी पर्सनल फेसबुक आईडी पे भी बहुत लोगों ने मैसेज किया था कि इन पे लेक्चर करिए। फेसबुक पेज पे भी काफी लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि इन पे लेक्चर करिए। तो फाइनली वेट इज ओवर। ये लेक्चर जो है वो दो पार्ट में आएगा। ये पहला पार्ट है। ये स्वामी बेसिकली ये जो लेक्चर है ये मैंने निखिलानंद की जो बुक है उनकी और उनकी बायोग्राफी है स्वामी विवेकानंद पे, उससे उठाई है। वैसे तो मैंने काफी स्टडी किया है, थोड़ा वेदों को भी पढ़ा है और बहुत लोगों के लेक्चर सुने हैं, तो डिफरेंट सोर्सेज हैं, लेकिन मेन सोर्सेज निखिलानंद की बायोग्राफी है स्वामी विवेकानंद पे। तो ये पहला पार्ट है। एक चीज और बोलना चाहूंगा कि मेरे फेसबुक पेज पे मुझे जरूर फॉलो करिए, सेट अंडरस्कोर एजुकेशन कनेक्ट। वहां पे आपको स्टडी आईक्यू के लेक्चर्स, कोई भी क्वेरीज है आप मुझसे पूछिए, मैं बिल्कुल आंसर करूंगा। बहुत जल्द मैं वहां पे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स भी अपलोड करूंगा, तो देर किस बात की, बिल्कुल करिए। देखिए, लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि वैसे तो मैं बहुत कम बोलता हूं कि मेरे लेक्चर्स को शेयर करिएगा, लेकिन मैं इस बार बोलूंगा कि ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि इस लेक्चर को आप जरूर शेयर करेंगे, क्योंकि बहुत अनअवेयरनेस है, लोगों को पता ही नहीं है कि एक्चुअली में चल क्या रहा है। कोई अपना डिसीजन मेकिंग वैसे तो बहुत कम है, तो मैं चाहता हूं कि जितना ज्यादा आप इसको शेयर करें और जितने लोगों को पता चले वो बहुत अच्छा होगा। और ये लेक्चर खत्म होते होते काफी लोगों के मिथ क्लियर हो जाएंगे, जो मिथ है वो मिट जाएगा और हो सकता है ज्ञान की प्राप्ति भी हो जाए। वैसे जोक्स अपार्ट, फिलहाल हम देखेंगे क्या इस लेक्चर में नरेंद्र का स्ट्रगल कैसे एक आम इंसान भगवान बन जाता है, वो पूरा का पूरा प्रोसेस हम जानेंगे, हिंदुइज्म को जानेंगे। 100 लोगों को खड़ा कर दीजिए, पूछे हिंदुइज्म क्या है, सब अलग अलग बताएंगे। तो क्या इसकी कोई सेंट्रल फिलॉसफी है, देखेंगे कि हिंदुइज्म एक्चुअली है क्या और हमारा रिलीजन क्या सिखाता है। धर्म को धर्म के नाम पे बांटने वाले लोग, देखेंगे सारी चीजें कि किस तरह से, क्या वाकई उनको ये पता है, और जो सिखा रहा है क्या वो आज जो हमारा धर्म हमको सिखा रहा है क्या वो वाकई आज इंप्लीमेंट हो रहा है। ये सारी चीजें हम देखेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ विवेकानंद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरह से उन्होंने भगवान को पा लिया। भैया भगवान इनको दर्शन देते थे, साक्षात ये भगवान से बात करते थे, और फाइनली वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है, इसी ये एक ऐसा इवेंट था ना जहां से भारत का नाम चारों दिशाओं में फैल गया। सब चीजों पे बात करेंगे, फिलहाल मेरे साथ आप बने रहिए। देखिए, चाइल्डहुड देखेंगे, इनकी जो माँ थी भुवनेश्वरी देवी, उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि भगवान शिव मुझे एक प्यारा सा बेटा दे दीजिए। सपने में आते हैं इनके भगवान शिव, बोलते हैं कि परेशान ना हो, मैं आ रहा हूं। स्वामी विवेकानंद का जन्म होता है 12 जनवरी को, इनका जन्म होता है, मकर संक्रांति का दिन होता है, 6:33 पे सूर्य उदय से जस्ट पहले, और कलकत्ता में इनका जन्म होता है, और काफी अच्छी फैमिली में इनका जन्म होता है। इनके जो पिताजी होते हैं विश्वनाथ, वो अटॉर्नी होते हैं, और काफी फिलैंथ्रोपी फैमिली होती है, फिलैंथ्रोपिस्ट होते हैं। बेसिकली फिलैंथ्रोपी मतलब होता है जो ह्यूमैनिटी के कामों के लिए, जो इंसानियत के कामों के लिए लोग काम करते हैं उसको फिलैंथ्रोपी कहते हैं, और जो लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं उनको फिलैंथ्रोपिस्ट कहते हैं। तो काफी बढ़िया फैमिली में, अच्छी वेल टू डू फैमिली में इनका जन्म होता है। लेकिन भैया, चाइल्डहुड तो सभी का ही, मतलब जो बच्चे होते हैं वो तो बहुत नादान होते हैं, तो इनके जो पिताजी थे ना वो थोड़े स्ट्रिक्ट थे और काफी स्ट्रिक्ट वॉच रखते थे इन पे। लेकिन इनकी जो माता थी वो बिल्कुल उल्टी थी, उल्टी इन द सेंस कि इनके पिताजी के नेचर की बिल्कुल उल्टी थी। वो डिवोटेड हाउसवाइफ थी और काफी रिलीजियस लेडी थी।
तो स्वामी विवेकानंद क्या था कि शुरू में ही इनके घरों में इनके घर में रामायण महाभारत का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा था, और बचपन से ही स्वामी विवेकानंद भगवान से जुड़ने लगे थे। भगवान राम से बहुत प्रभावित थे स्वामी विवेकानंद। रामायण का पाठ, महाभारत का पाठ, कहानियां, ये सब इनके दिमाग में घर कर गई थी। अब इनका जो दिल था ना, वो बड़ा कोमल था, बहुत कोमल था, और बहुत रेसलेस थे, और काफी मजाक भी उड़ाते थे सबका, ये है ना, बहुत ही शैतान थे। ये नहीं कि सीधे साधे थे, शैतानी बड़ी की इन्होंने। तो एक इंसिडेंट है, इनका दिल इतना अच्छा था कि मॉन्क, आप समझते होंगे, जो सन्यासी होते हैं, जो साधु होते हैं, बेसिकली कौन होते हैं, जो मेटीरियलिस्टिक लाइफ को छोड़ दिया, जिन्होंने मोह माया त्याग दी और भगवान को ढूंढने निकल पड़े, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सादा जीवन बिताते हैं ये। तो कहीं पे भी स्वामी विवेकानंद अगर किसी मॉन्क को देख लेते थे, सब कुछ दे देते थे, पैसा है ले जाओ, खाना है ले जाओ। तो ये देख के एक बार इनके माता पिता ने इनको कमरे में बंद कर दिया कि भैया इसको बंद कर दो, इससे पहले सब कुछ लुटा दे अब हमारा बेटा। खिड़की थी कमरे में, तो कमरे, अगर वहां उस खिड़की से कोई मॉन्क दिख गया, उठा उठा के सामान फेंकते थे कि अरे ये लो ये लो ये लो, तुम ले जाओ ये सब। तो इस तरह से थे हमारे स्वामी विवेकानंद। नरेंद्र नाथ दत्त नाम था बेसिकली जो इनका बर्थ नेम था, बाद में इनका स्वामी विवेकानंद पड़ा, वो हम देखेंगे किस तरह से इनका नाम जो है वो बदल गया बाद में। तो ये सारी चीजें थी। अब देखिए होता क्या है ना कि जो भगवान के बहुत करीब होता है ना, उनको नेचर से बड़ा प्यार होता है। तो इन्होंने बहुत पेट्स पाल रखे थे, गिनी पिग, डॉग, कैट, पिजन्स, सब जितने भी अलग अलग प्रजातियां थी वो इनके घर में पली हुई थी, और बहुत ही रिस्पेक्ट करते थे ये हर किसी की। अच्छे इंसान थे बेसिकली शुरू से ही। अच्छा एक चीज और बताना चाहूंगा कि कुछ लोग होते हैं ना, वो भगवान उनको चूज करता है, वो चोजन वंस होते हैं। विजन्स आते थे इनको, विजन्स इन द सेंस, आपने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा होगा, उसमें एक ब्रैन करके कैरेक्टर होता है, उसको विजन्स आते हैं, सपने, या भगवान आपको अनकॉन्शियसली दर्शन दे रहे हैं, ये होता था इनके साथ। इनको भगवान बुद्ध सामने दिखते थे, भगवान बुद्ध बोलते थे कि बेटा क्या कर रहे हो, यहां पे आओ, तुम्हारा स्थान तुम्हारे घर में नहीं है, मेरे पास है। इनको दो विजन्स बहुत आते थे। एक बार एक विजन आता था इनका सोते समय, जब जब ये सोते थे, जब निद्रा में होते थे, एक विजन आता था कि एक कोई बहुत अच्छा इंसान है, लग्जूरियस लाइफ बिता रहा है, शादी हो गई है, बढ़िया सेटल हो गया है। दूसरा विजन आता था कि सब कुछ छोड़ के भगवान की राह पे निकल जाओ। तो ये इनके बनने की प्रक्रिया यहीं से ही शुरू हो गई थी, और ये बहुत ही छोटी सी उम्र में सारी चीजें होती थी। तो इनको पता तो चल गया था कि भैया कुछ गड़बड़ है, दिमाग बहुत तेज था, बहुत ही ब्रिलियंट इंसान थे, बहुत ही जबरदस्त इनका दिमाग था, और इसी के कारण ये टीचर्स के बड़े, जब ये हाई स्कूल में एनरोल होते हैं तो टीचर्स इनसे बड़ा इंप्रेस रहते हैं। वो बोलते हैं कि जो नरेन है ना, ये थोड़ा अलग ही लेवल का इंसान है। तो ये सारी चीजें थी, बहुत ही जबरदस्त इंटेलिजेंस था, और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान थे, है ना। इनके जो काम है एक्चुअली, इन्होंने इनके जो लिटरेरी वर्क्स हैं, जो कि ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, राजयोग, बहुत ही फेमस वर्क्स हैं, है ना, ये पूरे इनके कंबाइंड, इन्होंने अपने जीवन को कंबाइन किया हुआ है कि किस तरह से भगवान को पा सकते हैं। हालांकि इस पर हम बहुत बहुत ज्यादा बात करेंगे। और एक चीज, आखिरी चीज और बताना चाहूंगा कि ये अगर स्कूल में कोई भी चीज हो रही है, पीछे नहीं रहते थे, हर चीज में एक्टिवली पार्ट लेते थे, हर चीज में, चाहे वो खेल हो, कूद हो, पढ़ाई का हो। तो इस तरह कुछ था इनका बचपन। तो बचपन इनका काफी अच्छा खासा बीता है, ये आप एकदम समझिए। रिलीजियस नहीं थे भैया, हाँ शुरू में इतने रिलीजियस नहीं थे। 1879 में नरेंद्र जब ग्रेजुएट होते हैं, तो उसके बाद प्रेसिडेंसी कॉलेज, प्रेसिडेंसी कॉलेज एक बहुत ही बड़ा कॉलेज है, और यहाँ पे कैलकटा में है, जो मतलब वैसे तो इसकी ब्रांचेज है, लेकिन जो कैलकटा वाला है वहां पे काफी महान महान लोगों ने वहां से पढ़ाई की है, चाहे वो हमारे सुभाष चंद्र बोस हो, सी वी रमन हो, खुद विवेकानंद हो। प्रेसिडेंसी कॉलेज में जब ये एंटर होते हैं, तब तक इन्होंने रामकृष्ण परमहंस का नाम नहीं सुना होता है। तो जब ये वहां पे एंटर होते हैं ना, तो ये ब्रह्मो समाज को बहुत मानने लगते हैं। ब्रह्मो समाज क्या है, किसने बनाया था और कब बना था, कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझे नहीं पता है, तो मुझे थोड़ा आप इनलाइटन करिए, बताइए मुझे ब्रह्मो समाज के बारे में। तो बेसिकली ब्रह्मो समाज की टीचिंग्स आपको पता ही होंगी, वैसे थोड़ा सा वेस्टर्नाइजेशन थॉट था ब्रह्मो समाज में, आइडल वर्शिप जो थी, जो आप इमेज वर्शिप करते हैं, इमेज की जो वर्शिप होते हैं, उस पे थोड़ा सा उसको हटाइए, और मतलब जो आप पत्थर की पूजा करते हैं, ये एक्चुअली कोई पूजा नहीं होती है, आप
अपलिफ्ट करिए, सोशल अपलिफ्टमेंट पे ज़्यादा ध्यान रहता था ब्रह्मो समाज में, तो इससे बहुत ज़बरदस्त जुड़ गए और इससे इन्फ्लुएंस बहुत हो गए हमारे विवेकानंदा, जो नरेंद्र नाथ दत्त थे, नरेंद्र हमारे बहुत ज़्यादा इससे इन्फ्लुएंस हो गए, थोड़ा सा वेस्टर्नाइजेशन की तरफ चले गए थे ये जब अपने कॉलेज ईयर्स में थे। हालांकि रिलीजियस तब भी थे, इनको ये तो पता था क्योंकि इनको विजन्स काफ़ी आते थे, भगवान इनको दर्शन देते थे और भगवान इनको, इनकी जो अंतरात्मा थी ना, वो इनको बताती रहती थी कि देखो बेटा, मतलब इनको सही रास्ता दिखाती रहती थी कि तुम्हारा जो एक्चुअल एम है ना, वो ये सब नहीं है। लेकिन फिर भी होता है ना कि इतनी जल्दी इंसान नहीं मानता है भैया। अरे भगवान अर्जुन तक ने नहीं माना, कृष्ण समझाते समझाते परेशान हो गए कि भैया मान जाओ, हम युद्ध करो, तभी तो उनको गीता का उपदेश देना पड़ा था ना। अर्जुन तक ने ये मानने से इनकार कर दिया, वो खुद भी हथियार नहीं उठाना चाहते थे। तो ये टसल हमेशा चलती रहती है। तो विवेकानंद के साथ भी यही सारी चीजें होती थी। रामकृष्ण परमहंस अभी तक पिक्चर में नहीं आए हैं, तो ये सारी चीजें थी। अच्छा, अब रामकृष्ण परमहंस की बात करते हैं हम। देखिए, हिंदुइज्म में ऐसा बोला जाता है कि अगर आपके कर्म बहुत अच्छे हैं तो आपको एक गुरु मिलता है जीवन में, और वो गुरु आपको सही रास्ता दिखाता है। अब यहाँ पे हिंदुइज्म की हम बात करेंगे। हिंदुइज्म की क्या कोई फिलॉसफी है? हिंदुइज्म की बात करने से पहले मैं सिर्फ आपको एक चीज बताना चाहूंगा, ये मेरे वर्ड्स नहीं है। पहली बात तो ये, मैंने बहुत स्टडी की है, बहुत लेक्चर सुने हैं इस पे, काफी लोगों का मत भी लिया है, तो उनके वर्ड्स हैं, मेरे वर्ड्स नहीं है, डिफरेंट सोर्सेस से मैंने उठाया है, और हमारे वेद, यस एब्सोल्यूटली। तो हिंदुइज्म है क्या, आज हम वो जानेंगे। ये कोई भगवान की मूर्ति नहीं है, पहली बात मैं बता दे रहा हूं, ऐसा नहीं है कि सामने है अपने, नहीं, ये बहुत बड़ी चीज है, ये एक विचार है, आप विचार को कभी नहीं मार सकते। ये मैं क्यों बता रहा हूं, ये आगे, अभी क्योंकि जब हम आगे बात करेंगे ना, तो इसके कुछ टर्म्स हैं, अगर मैं ये आपको नहीं समझाऊंगा तो आगे वो टर्म्स आपको समझ में नहीं आएंगे, और विवेकानंद भी आपको फिर समझ में नहीं आएंगे। हिंदुइज्म में क्या है, एक ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण मतलब होता है जो परमात्मा है, जो सर्वव्यापी है, जो हमेशा था और हमेशा रहेगा। यूनिवर्स आप कह सकते हैं, पूरा यूनिवर्स, पूरा स्पेस जहां तक फैला हुआ है वो ब्राह्मण है। उससे निकलता है आत्मन, आत्मन एनर्जी होती है, एक छोटा सा पार्ट जो कि हम लोग हैं, आप समझ गए, एक ब्राह्मण है, बड़ा सा विशाल समंदर, वो इनफाइनाइट है भैया, हाँ हमारे हिंदुइज्म में वो इनफाइनाइट है, और वही परमात्मा है। उससे छोटी छोटी एनर्जीज निकलती हैं, कितनी भी, हर सेकेंड एनर्जीज बरसती रहती है, और इंसानों के फॉर्म में वो जन्म लेती हैं, वो हम लोग हैं। आत्मन शरीर के अंदर जाता है, उसके बाद वो माया से इंटरेक्ट करता है। माया जो मेटेरियलिस्टिक चीज होती है, पिज्जा हट हो गया, पैसा हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, पावर हो गया, ये है, ठीक है। इंसान जो है वो इसमें फंस के बेसिकली रह जाता है। हमारा अल्टीमेट एम होता है मोक्ष, उस ब्राह्मण से गिरी आत्मन, और उसी ब्राह्मण में हमारा विलय हो जाना। मतलब जब आपकी मृत्यु होती है तो आपकी एनर्जी एस्केप कर जाए और उसी से मिल जाए। वो गाना है ना, ओहरे ताल गिरे नदी के तल में, नदी गिरे सागर में, सागर गिरे कौन से जल में, कोई जाने ना, ये बिल्कुल इसी पे बिल्कुल फिट बैठता है ना। लेकिन मोक्ष पाने के भी दो तरीके होते हैं, एक होता है द्वैत वेदांत और एक होता है अद्वैत। अद्वैत वेदांत क्या कहता है कि मोक्ष आपको कैसे मिलेगी, भैया अपने आप को बूंद समझ लो, और बूंद सागर में मिलनी है बस। अब बूंद सागर में मिलेगी, कहां मिल जाओगे, कहां चले जाओगे, तुमको पता ही नहीं चलेगा, लेकिन तुम्हारी यानी कि आपकी एनर्जी एक दिन उस परमात्मा में मिलेगी ही मिलेगी, उस स्पेस टाइम में मिलेगी ही मिलेगी। दूसरा होता है द्वैत पे वेदांत। हर हरे पेड़ पे एक हरा तोता बैठा हुआ है, तुम तोते हो, तुमको ये पता है तुम तोते हो, लेकिन उसमें तुम मिल जाओगे, उस हरे पेड़ में तुम समा जाओगे, दिखोगे नहीं किसी को, लेकिन तुमको ये पता रहेगा कि तुम तोते हो। ये डिफरेंस है। यहां पे क्या अद्वैत वेदांत पे बोला गया है, स्वामी विवेकानंद अद्वैत वेदांत पूरा सबको पढ़ाते बताते थे कि तुम एक बूंद हो और तुम एक सागर में मिल जाओगे। तो आप समझे, ब्राह्मण से निकला आत्मन, आत्मन घुसता है शरीर में, और मरने के बाद वही आत्मन को मोक्ष की प्राप्ति होती है, और मोक्ष क्या होता है, उसी ब्राह्मण में मिल जाना। अब मोक्ष पाने के दो तरीके, द्वैत अद्वैत, वो आपके ऊपर है कि आप कौन सा अपनाते हैं। अब लेकिन इस परमात्मा में मिलेंगे कैसे आप,
क्योंकि भैया ये तो कर्मों की साइकिल है, ये साइकिल चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। ये सब विवेकानंद बताते थे अपनी टीचिंग्स में, ये बताते थे। ये तो माया है, क्योंकि छह भैया लाखों कहते हैं ना हमारे हिंदुइज्म में, लाखों जन्म होते हैं, छह कैटेगरीज हैं, प्लांट्स, एक्वेटिक एनिमल्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, फिर ह्यूमंस, और ये साइकिल चलती रहती है। इसी साइकिल से आपकी आत्मा निकले और वो विलीन हो जाए। एनर्जी एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, आइंस्टीन ने कहा था ना 10,000 साल पहले, हमारे ऑलरेडी वेद में लिखी हुई है। तो इसको आप समझेंगे कैसे, मोक्ष पाएंगे कैसे? तीन तरीके होते हैं भगवान शिव का त्रिशूल, सत चित आनंद। सत मतलब होता है कि सीधे आप परमात्मा को समझ लो, उसी सागर को समझ लो जो कि बहुत मुश्किल है। चित मतलब होता है आप सेल्फ रियलाइज करो, आप अंदर झांको, अपने आप को समझो, मेडिटेट करके अपने अंदर के भगवान को जगाओ, जो कि बहुत और ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि भैया दिल में तो क्या बसता है, पेप्सी बसती है, गर्लफ्रेंड है, तो भैया इतनी आसानी, इतना आसान थोड़ी ना है भगवान को रियलाइज करना। भगवान खुद भी बोलता होगा कि यार इसको मैं क्या बोलूं, ये मुझे रियलाइज करने को तैयारी कहाँ, ये तो यहाँ पे माया में फंसा हुआ है, छोड़ो, जब इसको जरूरत होगी मुझे खुद बुलाएगा। तीसरा होता है आनंद। आनंद बेसिकली क्या होता है, ये इमेजेस होती हैं। इमेजेस मतलब होती है, अब यहाँ पे भगवान की इमेज की बात आती है। जो आप पत्थर देखते हैं ना, ये औरों के लिए हो सकता है बहुत मजाकिया हो, फॉरनर्स के लिए, फॉरनर्स ये बोलते हैं बेसिकली कि देखो ये क्या बकवास है कि एक हाथी की सूंड वाला भगवान बना बैठा हुआ है, एक मंकी भगवान, ये सब क्या है। उनको ये नहीं पता है कि एक्चुअली वो है ही नहीं। हम बेसिकली क्या होता है हिंदुइज्म में, क्या होता है कि आप इन दोनों से समझ गए तो ठीक है। तीसरा रास्ता उन्होंने ये अख्तियार किया है कि आप एक इमेज बना लो और उस इमेज को देख के आप ध्यान लगाओ, आप पूजा करो। ऐसा होता है ना कि आप देख के, वैसे तो जितनी भी मूर्तियां हैं वो किसी ना किसी नेचर का ही पार्ट होता है, नेचर का ही फॉर्म है, तो उस मूर्ति को देख के आप ध्यान लगाओ, और जब आप ध्यान लगाओगे तो आपकी कॉस्मिक एनर्जी अलाइन हो जाती है और आपको वाकई में सेल्फ रियलाइजेशन हो सकता है ना। तो यहां पे कोई मनाही नहीं है, आप कितनी भी मूर्तियां बना लो, है ना। और ये सब चीज इसलिए होती है ताकि भगवान को हम पा सके। उस मूर्ति के सामने आप ध्यान लगाते हो और उसी ध्यान से आप उस परमात्मा तक पहुंच सकते हो। ये विवेकानंद के वर्ड्स हैं। और वो ये सत चित आनंद जो होता है, ये तीनों चीजें मिलती हैं, ये त्रिशूल है भगवान शिव का, और ये तीनों चीजें एक में जुड़ जाती हैं, एक पॉइंट पे जुड़ जाती हैं, और वहां से वहां पे डमरू अटैच होता है, और डमरू होता है वो कॉस्मिक ड्रम होता है। जब वो बजता है तो आपके संसार क्रिएट होता है और खत्म होता है। तो वो जो जब भगवान शिव का डमरू बजता है तो एक संसार का क्रिएशन होता है, ठीक है। तो ये इस तरह से ये हिंदुइज्म की बेसिकली सेंट्रल फिलॉसफी है ना। तो ये चीज रामकृष्ण परमहंस ने पहले समझी और इसको बाद में विवेकानंद ने समझी, उसके बाद विवेकानंद ने पूरी दुनिया को समझाई। सबसे पहले वेद आए, उसके बाद उपनिषद आए, उसके बाद पुराण आए जो महाभारत और रामायण है। वेदों में हमको रिलीजियस टीचिंग्स मिलती हैं, उपनिषद बेसिकली गुरु ये समझाता है, उपनिषद नाम ही है उपनिषद, आओ नीचे बैठो, है ना। तो वो बेसिकली वो टीचर समझाता है, आपको गुरु मिलता है, अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको गुरु मिलता है, और ये जो जन्म होता है, जन्म मृत्यु और मोक्ष, ये आपके कर्मों पे डिपेंड करता है। अगर आपके कर्म बहुत अच्छे हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकता है, हो जाए। कर्म कैसे अच्छे होंगे, सेल्फ रियलाइजेशन से, और वहीं से आपको भगवान मिलेंगे, है ना। तो ये सब कुछ रिलेटेड है। तो ये बेसिकली हिंदुइज्म की सेंट्रल फिलॉसफी है ना। तो ये बहुत लोगों को पता नहीं होता है ना, बहुत लोग एक्चुअली जानना भी नहीं चाहते हैं। तो एक्चुअली में ये है, रामकृष्ण परमहंस पे अब हम वापस आते हैं, तो ये रामकृष्ण परमहंस को अच्छे से पता था, है ना। अब क्या होता है, रामकृष्ण परमहंस जब जब ये छोटे होते हैं, रामकृष्ण परमहंस, इनको भी विजन्स आते हैं, इनको भी अलग अलग तरीके से भगवान दिखते हैं, भगवान इनके सपने में आते हैं, इनको दर्शन देते हैं। बहुत जल्द ही इनको एहसास हो जाता है कि मैं भी स्पेशल हूं, है ना, मेरा भी मतलब कुछ तो मेरे साथ ही गड़बड़ है। ये बहुत डाउन टू अर्थ होते हैं, लोगों की मदद करना फिर शुरू करते हैं, अच्छा कर्म करना शुरू कर देते हैं, मेडिटेशन करने लगते हैं। देखिए साधना, मेडिटेशन या समाधि, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
तो रामकृष्ण परमहंस घंटों तक समाधि में विलीन रहते हैं, मेडिटेशन करते हैं, भगवान में विलीन हो जाते हैं, धीमे 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 भगवान से जुड़ने लगते हैं और माँ काली इनको दर्शन देती है। माँ काली के बहुत बड़े भक्त होते हैं रामकृष्ण परमहंस। एक दिन मेडिटेशन कर रहे होते हैं, नारायण भगवान विष्णु इनके सपने में आते हैं, बोलते हैं बहुत जल्द मैं अवतार लेने वाला हूं, मुझे ढूंढो। एक दिन बहुत डीप चले जाते हैं। देखिए माइंड बड़ा खतरनाक है, आपके माइंड में इतनी ताकत है कि आप पूरे यूनिवर्स को हिला सकते हैं, है ना भैया? साइंटिस्ट खुद प्रूव कर चुके हैं कि हम 0.9% खाली 1% भी हम अपने दिमाग का यूज नहीं करते हैं। तो अगर आप 50-60% अगर आप यूज कर लेना तो पता नहीं आप क्या कर देंगे, आप भगवान हो जाएंगे। भगवान यही करते हैं, आप देखते हैं ना कि जो मॉन्क्स होते हैं, जो साधु होते हैं, वो क्यों हमेशा साधना में विलीन रहते हैं, वो अपने दिमाग को बेसिकली खोलते हैं, है ना? तो ये मेडिटेशन से होता है, ये प्रैक्टिस से होता है, ठीक है? आपका दिमाग बहुत स्ट्रांग होता है मेडिटेशन से। तो मेडिटेशन जो आज के जमाने में, अब तो फिर भी काफी चीजें जग रही हैं, लेकिन जितना हो सके कम से कम 5 मिनट तो अपने आप को दे, थोड़ा सा ध्यान लगाए बैठे, है ना? तो ये चीजें होती है। तो रामकृष्ण परमहंस इसकी पावर से बहुत अच्छे से उनको मालूम था कि इसकी क्या पावर है। तो एक दिन बहुत डीप चले जाते हैं, एक छोटा सा बच्चा इनके कान में फुसफुसाता है ना? साधु का बेस होता है, छोटा सा बच्चा होता है, बोलता है अरे मुझे ढूंढो आके, अभी तक तुमने नहीं ढूंढा, कब ढूंढोगे? जब विवेकानंद से रामकृष्ण परमहंस मिलते हैं, उनको पता लग जाता है यही वो इंसान है। क्योंकि जैसे ही रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद से बहुत प्यार करते हैं, रामकृष्ण परमहंस इतना ज्यादा विवेकानंद से ही अटैच हो जाते हैं कि एकदम इनको अपना बच्चा मानने लगते हैं और बहुत रोते हैं उनको देख के। और जब भी उनको देखते हैं ना, समाधि में चले जाते हैं, अनकॉन्शियस हो जाते हैं। जैसे ही ये विवेकानंद को छू ले या देख ले, तुरंत अनकॉन्शियस हो जाते हैं। तो कई 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 बार तो बहुत ही ऑकवर्ड हो जाता है। एक बार ये इनसे घर मिलने जाते हैं, क्योंकि काफी मीटिंग्स होती हैं। विवेकानंद भी बहुत ही ज्यादा क्या कहते हैं कि इतने आसानी से मानने वाले वो नहीं थे। विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस की बहुत जबरदस्त बहस होती है। रामकृष्ण परमहंस बोलते हैं अरे परमात्मा को समझो, विवेकानंद ब्रह्मो समाज से प्रभावित, अरे ये सब होता ही नहीं है यार, आइडियल वर्शिप मुझे करनी ही नहीं है, क्यों समझू मैं? बहुत बहस करते हैं, क्योंकि उनको विराट रूपी दर्शन तो अभी तक हुए नहीं है, है ना? तो काफी बहस होती है। ये तो बहुत बाद में विवेकानंद भगवान को मानना शुरू करते हैं, और जब उनको दर्शन होते हैं तो कई बार मजाक भी उड़ाते हैं रामकृष्ण परमहंस का, विवेकानंद की, अरे देखो ये हमको भगवान से मिलवाएंगे। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो अब क्या होता है कि कई बार कई मीटिंग्स होती हैं रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद की, मानने को तो तैयार है नहीं विवेकानंद, करें तो करें क्या। एक दिन फाइनली इनको विराट रूपी दर्शन हो जाते हैं। स्वामी विवेकानंद को भयानक विजन आता है। क्या होता है कि रामकृष्ण परमहंस अपने आप को जोड़ लेते हैं विवेकानंद से, अपने दिमाग को जोड़ लेते हैं, और उनको फिर विराट रूपी दर्शन दिखाते हैं। यूनिवर्स खुलता जाता है, खुलता जाता है, यूनिवर्स के अंदर यूनिवर्स, उसके फिर और यूनिवर्स, पैरेलल यूनिवर्स, तमाम थ्योरी इनके दिमाग की। बेसिकली देखिए दिमाग बहुत ही छोटा होता है, बिग बैंग की तरह है, एक सिंगुलैरिटी में कन्फाइंड रहते हो। और जब ये फटेगा, जब आपके दिमाग में बिग बैंग होगा, तब आपकी दिमाग बिल्कुल, सारी नसें और सारे विजन्स बहुत ही क्लियर हो जाएंगे। तो वही रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के साथ करते हैं, जैसा कि कृष्ण कृष्ण ने अर्जुन के साथ किया था, ठीक है? तो ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन यहां पे आता है कहानी में ट्विस्ट। अब क्या होता है, स्वामी विवेकानंद के पिताजी की डेथ हो जाती है। अब भैया वो भी सोशल वर्कर थे, उन्होंने कोई प्रॉपर्टी तो अर्जित की नहीं होती है, पूरी तरह गरीबी छा जाती है, इतने ज्यादा गरीब हो जाते हैं स्वामी विवेकानंद, पहनने तक के लिए कपड़ा नहीं होता है, खाने के लिए मोहताज हो जाते हैं। एक टाइम का अगर वो खाते हैं ना, तो दूसरे टाइम का उनको सोचना पड़ता है कि यार मैं खाऊं कि ना खाऊं, इस तरह की कुछ कंडीशन हो जाती है। उनके जो दोस्त होते हैं वो उनको ऑफर भी करते हैं, कहते हैं अरे तुम हमारे साथ खा लो यार, हमारे साथ खाने में क्या बुराई है, लेकिन बोलते हैं नहीं यार वहां मेरा परिवार भूखा है। सुबह उठते हैं अपने बेड से और राम राम का जप करते हैं, तो इनकी माँ भी इनको ताने मारती है कि देखो ये तुम्हारे भगवान है, राम राम का जप कर रहे हो और हम लोग यहाँ पे मर रहे हैं, खाने तक के लिए पैसा नहीं है, कुछ सोचा है क्या करोगे? एक टाइम पे सब छोड़ देते हैं। विवेकानंद बोलते हैं सब बकवास है, भगवान भगवान कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, दिमाग मेरा खराब हो रहा है, बेटर यही कि मैं कोई अच्छा काम ढूंढ के अपने परिवार का जीवन चलाऊं, वरना सबके सब मारे जाएंगे, है ना? इतने गरीब हो जाते हैं
नंगे पैर फटे कपड़े के साथ बस घूमते रहते हैं, कड़ी धूप में काम के लिए घूमते रहते हैं, सोचते रहते हैं कि क्यों। और एक बार ये भगवान से क्वेश्चन भी बोलते हैं, पूछते हैं कि अगर मुझे आपने मुझे इतने विजन्स दिए, मेरे सपनों में आए, इसका फायदा क्या है? मुझे तो आपने गरीबी दिखा दी ना, अरे यही करना था तो फिर मुझे चुना ही क्यों? इसका जवाब मैं आपको थोड़ी देर बाद दूंगा कि इसका जवाब मिलता क्या और भगवान देते क्या है। तो बहुत जबरदस्त गरीबी आ जाती है, लेकिन एक दिन क्या होता है कि ये बैठे होते हैं, पेड़ के नीचे बैठे होते हैं, धूप होती है, थोड़ा सा आराम कर रहे होते हैं, एकदम से इनको एक विजन आता है, एकदम से, कि भगवान आए और भगवान ने अपना चोगा उतारा। जैसे ही वो चोगा उतारा, उसके अंदर एक और भगवान, उन्होंने भी अपना चोगा उतारा, उसके अंदर एक और भगवान, चोगा उतारा, ऐसे होता गया, इनफाइनाइट चलता गया। भैया हिंदू में श्लोक है ना, सब कुछ इनफाइनाइट है, अगर आप इनफाइनाइट से भी इनफाइनाइट निकाल लो और उसको समझ ले, तब भी वो इनफाइनाइट रहेगा, क्योंकि वो परमात्मा को कोई समझ नहीं सकता, आप उसका मजाक नहीं उड़ा सकते। आप भैया देखिए, परमात्मा और भगवान में फर्क क्या है? हाँ, परमात्मा और जो आप वर्शिप करते हैं उनमें फर्क क्या है? परमात्मा है सनलाइट, लेकिन भगवान है सन, है ना? परमात्मा सुप्रीम शक्ति है, जिस जो सब कुछ चला रहा है। साइंटिफिक नॉलेज में अगर हम बोल सकते हैं, तो इसको आप स्पेस टाइम के तौर पे, स्पेस टाइम के उस पे आप देख सकते हैं, जो सब कुछ चला रहा है। और ये मेरे वर्ड्स नहीं है, ये स्वामी, ये सब चीजें मेरे एक भी वर्ड्स नहीं है, मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ, ये डिफरेंट सोर्सेस से मैंने लिए हैं। तो कमेंट बॉक्स में कोई ये ना लिख दे कि भैया क्या बोल रहे हो, प्रवचन चल रहा है, लेकिन ये स्वामी विवेकानंद के वर्ड्स हैं और ये साइंटिफिक हैं। आपको पता है, स्वामी विवेकानंद बोलते थे कि मुझे सिर्फ एक पैरा दो, एक बुक दो, चाहे वो कोई भी हो, उस बुक का पहली लाइन मैं पढ़ूंगा और आखिरी लाइन पढ़ूंगा, मुझे पूरी बुक समझ में आ जाएगी। यहां तक उनका दिमाग पहुंच गया होता है। टेस्ला ने उनसे फ्री एनर्जी के लिए क्लासेस ली होती हैं। बहुत परेशान होते हैं टेस्ला, इनसे मिलने आते स्वामी विवेकानंद से, स्वामी विवेकानंद बताते हैं कि बेटा करना क्या है। तो ये पावर है हमारे हिंदुइज्म की, जो कि खो गई है और पता नहीं वो कब रिवाइव होगी, मुझे खुद भी नहीं समझ में आ रहा है। बिलियंस और बिलियंस वहां पे अमेरिका में डॉलर खर्च हो रहे हैं इन्वेंशन के लिए, अरे भैया सब यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको समझ लो। तो ये सारी चीजें, काफी स्ट्रगल होता है। तो एक दिन ऐसा इनको विजन आता है कि चोगे पे उतरते जा रहे हैं, इनफाइनाइट वो विजन चलता है, और एकदम से झटके से उठते हैं कि अरे मैं क्या कर क्या रहा हूं। तब वो डिसाइड करते हैं कि बहुत हो गया, मैं अब भगवान की प्राप्ति करूंगा। और उनको फाइनली ये रियलाइज होता है कि अब कुछ नहीं है, जाऊंगा और सिर्फ भगवान पे विलीन हो जाऊंगा। रामकृष्ण परमहंस से मिलने जाते हैं, उसके बाद रामकृष्ण परमहंस फिर इनको अपनी पूरी की पूरी तरह शरण में ले लेते हैं और बोलते हैं कि माँ काली की पूजा करो। रामकृष्ण परमहंस बोलते हैं कि माँ काली की पूजा करो, तो स्वामी विवेकानंद माँ काली की, पहले माँ काली को वो मानते नहीं है स्वामी विवेकानंद, लेकिन अल्टीमेटली स्वामी विवेकानंद माँ काली को मानने लगते हैं। अब जब मेडिटेट करते हैं, देखिए अब स्वामी विवेकानंद क्या करते हैं ना, अपनी सेंसेस पे काबू करने लगते हैं मेडिटेशन के थ्रू, है ना, वो घोर तपस्या में लग जाते हैं, कभी कभी तो हफ्ते हफ्ते भर तक वो तपस्या करते रहते हैं। और दोनों, रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद, दोनों मिलके ये करते हैं, और जितना भी जो भी चीज होती है, जितना ज्ञान होता है रामकृष्ण परमहंस के पास, वो सब कुछ दे देते हैं। स्वामी विवेकानंद को हर एक चीज दे दी जाती है। तो एक दिन उनको दर्शन होते हैं फाइनली, और वो पूछते हैं भगवान से कि भगवान आपने मुझे इतनी गरीबी क्यों दी, आप मुझे बताइए, आपने मुझे इतना स्ट्रगल क्यों कराया। तब भगवान बोलते हैं कि अगर बेटा तुम मेरे स्पेशल बच्चे हो, और अगर मैंने तुमको ये सारी चीजें दे दी होती ना, अगर तुमको सारी लग्जरी दे दी होती ना, तो तुम आज मुझे खोजने नहीं आते। और ये बिल्कुल सही बात है, अगर उनको सब सारी लग्जरीज मिल गई होती तो शायद वो कभी इस बात पे आते ही नहीं, और शायद स्वामी विवेकानंद कभी विवेकानंद होते ही नहीं, नरेंद्र नाथ दत्त कभी विवेकानंद भाई नहीं बनते, वो नरेंद्र नाथ दत्त ही रहते अगर ये सारी पॉवर्टी और इतना स्ट्रगल वो नहीं करते। बहुत जबरदस्त स्ट्रगल करते हैं, भयानक गरीबी छाती है, समझ लीजिए इतनी गरीबी छा जाती है कि खाने खाते ही नहीं है, खाना तक दो दो दिन भूखे रहते हैं। तो बोलते हैं, तो एक चीज इससे सीखने को यह मिलती है कि आपके जीवन में कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, हर एक चीज सही हो जाती है।
आप पॉजिटिव रहिए, और जो चीज़ हो रही है ना, हर एक चीज़ का एक कारण होता है, एक रीज़न होता है। ऐसे ही कोई चीज़ आपके लाइफ में नहीं होती है, गॉड के, भगवान के प्लान्स होते हैं, बस उस पर भरोसा रखिए। हिम्मत मत हारिए, विवेकानंद भी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हारते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, और अब पूरा मेडिटेट करते हैं माँ काली के लिए, माँ काली के चरणों पर गिर जाते हैं। तो एक बहुत ज़बरदस्त इंसिडेंट है। तो देखिए, रामकृष्ण परमहंस काफ़ी इनकी केयर करते हैं, और रामकृष्ण परमहंस अपने कुछ, क्योंकि उनके डिसाइपल्स होते हैं काफ़ी लोग, तो रामकृष्ण परमहंस बोलते भी हैं, कुछ डिसाइपल्स अमीर भी होते हैं जो उनके डिवोटी होते हैं, तो उनके वर्शिपर्स होते हैं, कि भैया तुम रामकृष्ण, तुम स्वामी विवेकानंद की थोड़ी मदद कर दो, नरेंद्र की थोड़ी मदद कर दो, क्योंकि इनकी जो फैमिली है बड़ी स्ट्रगल कर रही है। स्वामी विवेकानंद को जब ये सारी चीज़ें पता लगती है ना, बहुत गुस्सा आते हैं, बोलते हैं क्यों आप ये सब बोल रहे हैं, आप एक तरफ मुझे बोल रहे हैं कि भगवान को पाओ, और दूसरी तरफ आप ये सब बोल रहे हैं, ये बिल्कुल शोभा नहीं देता। तो एक दिन स्वामी विवेकानंद, क्या होता है कि माँ काली बहुत विलीन हो जाते हैं उनकी क्या कहते हैं कि उनकी पूजा में, और माँ काली इनको दर्शन देती हैं, क्योंकि देखिए माँ काली का क्या है, वो डिस्ट्रॉयर है और क्रिएटर है, खैर उनकी भी हम बात करेंगे, वो पूरी डिस्ट्रॉयर है और क्रिएटर है ना। तो क्या है कि रामकृष्ण परमहंस बोलते हैं कि देखो, तुमको माँ काली मिलेंगी, माताजी मिलेंगी, तुम उनसे सारी चीजें पूछ लेना, जो भी तुम्हारे दुख हैं पूछ लेना, और जितनी भी चीजें तुमको मांगनी हो बच्चे मांग लेना। तो मेडिटेट करते हैं, काली माता सामने आती हैं, हर एक चीज मांगते हैं, स्वामी विवेकानंद मुझे ये कर दो, मेरा परिवार अच्छा हो जाए, और मैं बहुत मतलब मुझे इतनी ताकत दो कि मैं सबको ऊपर उठा सकूं, अपलिफ्ट कर सकूं, सब कुछ मांगते हैं, पैसे मांगना भूल जाते हैं। उसके बाद जब उनका विजन खत्म होता है, तब वो रामकृष्ण परमहंस बोलते हैं सब कुछ मांग लिया, स्वामी विवेकानंद बोलते हैं हाँ मांग लिया, पैसे मांगे, वो बोलते हैं नहीं, कहते हैं फिर मांगो। तो फिर स्वामी विवेकानंद को विजन आता है, फिर वो सब कुछ मांगते हैं, पैसे मांगना भूल जाते हैं, ऐसा 3-4 बार होता है, और वो हमें वो सोचते हैं कि यार मैं सब कुछ मांग रहा हूं लेकिन पैसे क्यों नहीं मांग रहा हूं। तो अब रामकृष्ण परमहंस बोलते हैं बच्चे तुम्हारी किस्मत ही यही है, तुम्हारी किस्मत पैसे में नहीं लिखी है, पैसे में नहीं तोली है, तुम्हारी किस्मत में इस दुनिया को उठाना लिखा है, तुम्हारी किस्मत में मोक्ष की प्राप्ति लिखी है, और जो भटके हुए हैं ना उनको सही रास्ता दिखाओ, ये है तुम्हारी, तुम मैसेंजर हो भगवान के, तुम अवतार हो, तो उसकी तरह बिहेव करो ना। और देखिए हर एक इंसान गॉड है, आप ये बिल्कुल आप भी भगवान है, मैं भी भगवान हूं, सब भगवान है, सेल्फ सेल्फ रियलाइज करिए, बस सेल्फ रियलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं, और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि फाइनली जो टसल है रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद के बीच वो खत्म हो जाती है, और चीजें बिल्कुल सॉर्ट आउट हो जाती हैं, क्योंकि राम स्वामी विवेकानंद को भी ये रियलाइज हो जाता है कि भगवान की शक्ति बहुत ज्यादा है, और वेदों की शक्ति उससे भी ज्यादा है, तो वेद उपनिषद के एकदम मास्टर हो जाते हैं, इन सब चीजों को पढ़ना जब शुरू करते हैं, और एक टाइम पे इतना ज्यादा इनके पास ज्ञान आ जाता है कि कुछ भी कर सकते हैं ये, है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं, और ये बेसिकली एक जो कोटेशन आपको स्क्रीन पे दिख रही है, ये बेसिकली कन्वर्सेशन है ना। तो ये कन्वर्सेशन रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद के बीच में है। तो स्वामी विवेकानंद मतलब रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद से सवाल पूछते हैं कि मानो भगवान जो है वो ओशन है ना, और तुम एक मधुमक्खी हो, क्या करोगे। वो बोलेंगे कि मतलब बोलते हैं कि क्या करोगे, डूबोगे नहीं। तो स्वामी विवेकानंद का जवाब ये होता है कि अरे अगर मान लीजिए मैं वहां पे गिर गया तो मैं तो मर जाऊंगा ना, मान लीजिए चाशनी पड़ी हुई है, ठीक है ठीक है, एक ओशन है पूरा, उसमें चीनी चीनी है, स्वीटनेस है, मैं मक्खी गिर गया मर गया, फायदा क्या। बोलते हैं अरे बेटा उसमें तुमको जाना है, भरोसा रखो, ये पानी नहीं है, ये भगवान का समंदर है। भगवान का समंदर से कहने का मतलब था कि अपने दिमाग में डूब जाओ, अपने दिमाग की परतें खोलो, और देखिए हमारा जो दिमाग और जो यूनिवर्स है वो बिल्कुल सेम है, उससे जुड़ जाओ, सब चीज हल हो जाएगी। तो ये पार्ट 1 का एंड है, अगले पार्ट में हम और भी चीजें जानेंगे, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस जानेंगे, और देखेंगे कि किस तरह से स्वामी विवेकानंद ने और जो सोसाइटी के लिए है उसके लिए किस तरह से उन्होंने काम किया, और कैसे अपलिफ्ट किया, और वेदों की बात करेंगे, पुराणों की बात करेंगे। तब तक खुश रहिए, अच्छे रहिए, और हाँ शेयर आप जरूर करेंगे, पर
पता होना चाहिए लोगों को, और स्वामी विवेकानंद के बारे में तो सबको पता होना चाहिए। इनकी टीचिंग्स की आज बहुत जरूरत है। पढ़ते रहिए, आशा करता हूं आपको बहुत पसंद आएगा। पार्ट टू इसका बहुत जल्द आएगा। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।